हेलो सर, मैंने आपके YouTube से नंबर लिए थे। मुझे माउथ अल्सर के बारे में पूछना था सर। कब से है? तीन तीन दिन हो गए सर। कितने एज है आपकी? एज तो 22-23 था। और ये होते रहते हैं? पहली बार हुए? नहीं, फर्स्ट बार हुआ सर मुझे। कितना पानी पीते हैं दिन में? पानी दिन में? पूरे दिन में? एक दिन में कितना पानी पीते हैं आप? पानी तो हो जाता है 2-2.5 लीटर के समथिंग हो जाता है। हाइट कितनी है आपकी? वेट कितना है? वजन तो 54 होगा और हाइट 170 होगी। और दूध और चाय कितना पीते हैं? नहीं नहीं दूध चाय तो नहीं पीते। कोई और लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट्स में कुछ? लस्सी या कुछ मट्ठा या कुछ और? कभी कभार छाछ पीते थे। कोल्ड ड्रिंक्स? नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं पीता। आज आज दिया था जूस। और आपका खाने का क्या रूटीन रहता है? उठने मतलब एक 2 मिनट के अंदर रफली बता दो, सुबह का क्या होता है आपका रूटीन सुबह और रात तक? उठते मतलब 10 बजे सुबह। कितने बजे उठते हैं? सुबह 7 बजे। क्या करते हैं उठ के? उठ के मतलब फिलहाल तो कॉलेज वगैरह बंद है, कॉलेज जाते, बट अभी 9 बजे खाना खा लेते हैं। और सुबह उठने के बाद पानी पीते हैं? हाँ, एक गिलास पीते हैं खाली पेट पहले ना। हाँ हाँ, और फ्रेश होने से हैं? फ्रेश होने से पहले एक गिलास पीता। और उसके बाद खाने के साथ पीते हैं पानी? हाँ, खाने के साथ कभी कभार पी लेता हूँ। कितना? डेढ़ गिलास। और अदरवाइज कभी कभार पी लेते हैं तो वैसे कब पीते हैं नॉर्मली? नॉर्मली मतलब लगभग पीता हूँ खाने के साथ और या खाने के बाद पी लेता हूँ। एक गिलास का समथिंग खाने के साथ हो जाता है। ठीक है, आप एक काम करो, अगले 12-15 घंटे के लिए पानी लिक्विड छोड़ दो। मतलब पानी पीना ही नहीं है? हाँ, अगले 12-15 घंटे के लिए छोड़ दो, तो उससे मुंह के साले एकदम से ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको रूटीन भेज देता हूँ, उसके हिसाब से एक हफ्ते चला के देखो। बाकी उसके बाद अपनी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लीजिएगा। पानी का इंटेक कम और ज्यादा करने से फायदा होता है। थोड़ा सा वॉक एंड रेस्ट करना चाहो, मैं रूटीन भेज देता हूँ, उसमें से जो जो करना चाहो कर लेना। और जहां तक माउथ अल्सर्स की बात है, माउथ अल्सर्स 12-1 घंटे में ठीक हो जाते हैं नॉर्मली। खाना नीचे नहीं उतर रहा है, कलेक्ट हो रहे ना। आज भी मतलब मैंने फ्रूट खा के भी नहीं खाता, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब गले में हो रहे। और मुंह में नहीं, गले में है? मुंह में तो होंठ के पास है एक दो, बट गले में मतलब माउथ अल्सर्स ही है कुछ हो रहा है? माउथ अल्सर्स तो मुंह में होते हैं, जीभ पर। होंठ के पास भी मतलब गले में भी है, गले में ऐसा कुछ, मतलब खाना वाना नीचे नहीं जा रहा है। मुंह में हो रहे तो वो भी अल्सर ही हो गए सर। मुंह में जो होते हैं ना जीभ पर, वो अल्सर होते हैं। मुंह पर हो गया, अंदर काल पर हो गया, अंदर के हिस्से पर। अगर गले में हो रहा है, गले के मतलब खाना जब निकलने की कोशिश करते हैं उसके आगे हो रहा है, तो फिर तो वो एसिडिटी से रिलेटेड होती है प्रॉब्लम। दोनों साइड में मतलब। एक मिनट, एक काम करो, 10 मिनट बाद कॉल कर लो, मैं खाना फिनिश कर लूं पहले। ओके ओके सर। हेलो सर। हाँ, ये आप गले की बात कर रहे थे ना, गले में हो रहा है? हाँ। कुछ खाया नहीं जा रहा? हाँ। तो देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो माउथ अल्सर होता है जिसमें आपसे खाया नहीं जाता, क्योंकि कोई भी चीज खाते हैं तो मिर्ची लगती है उसमें, जहाँ पर अल्सर होता है। हाँ। और दूसरा है कि आपके गले में कुछ दिक्कत है, इन्फेक्शन है या कोई दिक्कत है। तो एनीवे, अगर आपको खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और सुबह तक ठीक होना चाहते हो, तो एक काम करो, वॉक एंड रेस्ट कर लो। पानी तो बिल्कुल मत पियो, और 5 मिनट चलो, और 5 मिनट के लिए लेट जाओ या 10 मिनट के लिए लेट जाओ। इसको कंटिन्यू करो, पूरी रात कर लो, और सुबह तक आराम मिल जाएगा शायद, या 10-11 बजे तक आराम मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आराम से अभी सो जाओ, जितना खा सकते हो खा लो, खिचड़ी विचड़ी खा लो, और सुबह से पानी बंद कर दो। और अभी भी खाओगे तो उसके साथ पानी मत पीना। और अभी तो खा लिया मैंने। खा लिया तो ठीक है, बस पानी बंद कर दो, और कल शाम को 5-6 बजे तक ठीक हो जाएंगे। मतलब कल पूरे दिन पानी नहीं पीना है? हाँ, पूरे दिन पानी मत पियो, तो उससे ठीक हो जाएगा। और कोशिश करो वॉक एंड रेस्ट भी करने का, कि 5 मिनट चलो और उसके बाद 5 मिनट लेट के आराम कर लो। इसको भी 8-10 बारी कर लेना, 15 बारी कर लेना दिन में। और खाना तो खाना है? खाना खाना है। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, नंबर व्हाट्सएप पर है? हाँ, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, पर जो ब्रॉडली बताया वैसे कर लेना। ठीक है सर। ओके।